हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का तीसरा भाग करेंगे। तीसरा तीसरा प्रश्न पत्र करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपठित का एक अंश जो इसमें प्रश्न के लिए दिया गया है उसको पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जो है प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहला है उसका अनुच्छेद, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ही अटल सत्य है। अतः पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में चिंता की बात यह है कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन पहले एक शताब्दी में दिखते थे, अब उतने परिवर्तन एक दशक में ही दिखने लगे हैं। पर्यावरण संबंधी परिवर्तन की इस तेजी का कारण है विस्फोटक ढंग से बढ़ती आबादी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति का अधिकाधिक प्रयोग तथा सभ्यता का विकास। पर्यावरण संबंधी समस्या के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ओजोन परत में छिद्र होना और धरती के तापमान में वृद्धि। ये दोनों क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल या बाहरी घेरे में होती है। शोध द्वारा यह भी पता चला है कि वायुमंडल की ओजोन परत पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक रासायनिक पदार्थ, नाभिकीय विस्फोटकों इत्यादि का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत जीव मंडल के लिए रक्षा कवच है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को रोकती है जो जीव मंडल के लिए घातक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC जैसे रासायनिक पदार्थ सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इन सब रासायनिक तत्वों में अत्यधिक वृद्धि औद्योगीकरण के बाद हुई है, इसलिए यह आवश्यक है कि विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर अपनाया जाए तथा पर्यावरण एवं ओजोन परत के संरक्षण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का आविष्कार किया जाए। अब पहला प्रश्न इसमें, वर्तमान समय में होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन में सर्वाधिक चिंता की बात क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी अवतरण में मिलेगा। इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन में सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि पहले अब जो है कम समय में अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि जो परिवर्तन बड़ी इतनी तीव्रता से होती है, इसमें आप ये दे सकते हैं कि एक शताब्दी में जो परिवर्तन दिखते थे वे अब 10 वर्ष में ही दिखने लगे, दशक में ही दिखने लगे। मतलब कि आप इसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं कि जो बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और जो है कम समय में अधिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पर्यावरणीय परिवर्तन में होने वाली तीव्रता मानव जाति के लिए सकारात्मक नहीं है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि पर्यावरण संबंधी सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है, इसके क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश में ये कहा गया है कि पर्यावरण संबंधी समस्या के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण समस्या ओजोन परत में छिद्र तथा धरती के तापमान में वृद्धि से संबंधित है, जिसका कारण विस्फोटक ढंग से बढ़ती जनसंख्या, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति तथा अधिकाधिक प्रयोग उन्नति का अधिकाधिक प्रयोग तथा सभ्यता का तेजी से विकास इत्यादि है। अब तीसरा प्रश्न है इसमें कि ओजोन परत को जीव मंडल की रक्षा कवच क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है कि ओजोन परत को जीव मंडल की रक्षा कवच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राणियों की त्वचा के लिए अत्यंत घातक सूर्य की पराबैंगनी किरणों तथा परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है।
ओजोन परत के क्षरण की स्थिति में पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में भी अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे धरती पर मानव तथा पेड़ पौधों का विकास बाधित होगा। इसमें चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के केंद्र में किसे रखा गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश के केंद्र में पर्यावरणीय परिवर्तन को रखा गया है। गद्यांश में तेजी से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण ओजोन परत के ह्रास, उसके कारण व उसके दुष्प्रभावों से मानव जीवन को होने वाली क्षति पर प्रकाश डाला गया है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर औद्योगीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर है कि औद्योगीकरण के पर्यावरण परिणाम स्वरूप CFC एवं HCFC जैसे रासायनिक तत्वों में असीमित वृद्धि के कारण ओजोन परत का ह्रास हुआ है। अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक आपको संक्षेप में लिखना, दो या तीन शब्दों में। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकता है। आपको ध्यान देना होगा कि मतलब अवतरण में जो भी जिसके भी बारे में कहा गया है उसी से संबंधित आप शीर्षक बनाएंगे, और शीर्षक इस बात का प्रयास करेंगे कि शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त हो, दो या तीन शब्दों के ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द के से क्या अभिप्राय है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और शुद्ध रूप में वो संस्कृत के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप आम्र बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं, दुग्ध बोल सकते हैं ना, ये आपका तत्सम शब्द है। जैसे आम्र, ये उदाहरण है, आम्र, अग्नि, अग्नि और आप ये बोल सकते हैं गृह, हाँ, ये क्या है? तत्सम शब्द है। उदाहरण पूछा है, तत्सम शब्द, ठीक है। ये दुग्ध, इसमें दुग्ध भी एक उदाहरण हो सकता है, जो हम बदल के मतलब उसका तद्भव रूप हो गया है दूध, है ना। अब अगला प्रश्न इसमें है कि सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेदों के नाम लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं तथा सर्वनाम के मुख्य छह भेद हैं। सर्वनाम के मुख्य छह भेद हैं। सर्वनाम के भेद, ये क है प्रश्न दो का और ये प्रश्न दो का ख, ठीक है। सर्वनाम के छह भेद हैं। इसमें आप सबसे पहला है, देखिए, पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा भेद क्या है? चौथा भेद आप संबंधवाचक रख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पांचवा भेद आप प्रश्नवाचक रखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा भेद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये है आपके छह भेद सर्वनाम के।
सर्वनाम के पूरे 6 भेदों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम लिखा गया है, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा लिखा गया संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार चिन्हों के प्रयोग वाले शब्दों को छाँट कर लिखिए। अनुस्वार वाले शब्द छाँट के लिखना है आपको। अब अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं इसमें से आपको पहचानना है। जैसे पहला शब्द इसमें दिया हुआ है पंछी, तीसरे का क, अनुस्वार वाले, अनुस्वार युक्त शब्द छाटे, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें अनुस्वार युक्त शब्द क्या है प्रश्न, इसमें उत्तर आप पहले आप प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है आपका इसमें पंछी बांधना माताएं पंडित, पंछी बांधना माताएं, माताएं और पंडित, ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसके उत्तर हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रश्न 3 का ख, क, इसमें आपका ये वाला यानी कि पंछी ये जो है सही उत्तर है, और दूसरा है अनुस्वार युक्त शब्द पंडित। ठीक है, अब अगला शब्द है, अगला प्रश्न है इसमें उचित अनुस्वार चिन्ह युक्त प्रश्न, प्रश्न प्रश्न 3 का ख, अनुनासिक, अनुनासिक युक्त शब्द छाटे, ये आपका प्रश्न है। अब इसका उत्तर हम करेंगे, उत्तर 3 का ख, इसमें अनुनासिक, इसमें आपका शब्द आपका पहले करवा देते हैं कि शब्द इसमें कौन कौन सा दिया गया है। ऊंचाई काव्यांश, ऊंचाई काव्यांश, काव्यांश ऊंचाई काव्यांश, मंडित और पूंजी, मंडित और पूंजी। ठीक है, अब यहाँ पे ये उत्तर आप करिए, उत्तर 3 का ख, सबसे पहला है ऊंचाई और दूसरा है पूंजी। ठीक है, ये दो शब्द हैं अनुनासिक युक्त शब्द। अब प्रश्न 4, प्रश्न 4 में उपसर्ग और प्रत्यय का है प्रश्न। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न है उचित निसंकोच और प्रत्येक में उपसर्ग छाँटना है। ठीक है, निसंकोच और प्रत्येक में उपसर्ग अलग कीजिए। शब्द है प्रश्न 4 का क, निसंकोच, निसंकोच और प्रत्येक में मूल शब्द और मूल शब्द और मूल शब्द और उपसर्ग छाटे, उपसर्ग छाटे। इस प्रश्न का जवाब होगा इस प्रकार, इसमें होगा, इसमें उत्तर होगा निसंकोच में, निसंकोच में निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग है और संकोच मूल शब्द है। ठीक है, संकोच जो है वह मूल शब्द है।
संकोच मूल शब्द है, ठीक है। और दूसरा है आपका प्रत्येक, प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, और एक क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न चार का ख, प्रश्न चार का ख है दुकानदार, दुकानदार और दुकानदार और भारतीय और दुकानदार और भारतीय शब्द में मूल शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें, प्रत्यय अलग करें। ये तो दुकान, दुकान जो है वह मूल शब्द है, दुकान इसका उत्तर है प्रश्न चार का ख, प्रश्न चार का ख इसका उत्तर है, ठीक है। तो दुकान जो है वो मूल शब्द है और प्रत्यय है दार, दार जो है वह प्रत्यय है। अब दूसरा शब्द क्या है, दूसरा है भारतीय, भारत, भारत मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया भारत, ठीक है। और ई यह प्रत्यय है, ई जो है वो प्रत्यय है। तो ये प्रश्न उत्तर उपसर्ग और प्रत्यय से था। अब इसमें जो है आपको अगला करना होगा, इसमें जो है अगला प्रश्न है समश्रुति भिन्नार्थक से, समश्रुति भिन्नार्थक से अगला प्रश्न है, श्रुति समभिन्नार्थक से अगला प्रश्न है। इसमें प्रश्न किया गया है कि अंत्य, प्रश्न पाँच का क, अंत और अंत्य, अंत और अंत्य शब्द है। अंत और अंत्य, इसमें आपको शब्द और बुरा और बुरा, इसमें क्या करना है, अर्थांतर स्पष्ट करना है, अर्थांतर स्पष्ट करें। अर्थांतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे अंत उत्तर हो जाएगा, पाँच का क, अंत का अर्थ होगा समाप्ति, अर्थ समाप्ति किसी चीज़ का अंत हो जाना, और अंत्य का अर्थ होगा नीच, ठीक है। अंत्य का अर्थ क्या होगा, नीच। ये अंत का अर्थ है कोई बात की समाप्ति और अंत का अर्थ है नीच। इसी तरह से बुरा शब्द का अर्थ है खराब, बुरा शब्द का अर्थ है खराब, और बुरा
शब्द का अर्थ है शक्कर, शक्कर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पर्यायवाची करना है, पांच का ख, प्रश्न पांच ख, इसमें हमें गणेश और चक्र की दो दो पर्यायवाची करनी है। गणेश चक्र शब्दों की पर्यायवाची, शब्दों की दो दो पर्यायवाची। शब्द की दो दो पर्यायवाची दो दो पर्यायवाची लिखें, ये प्रश्न, ठीक है। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। पांच का ख, गणेश की पर्यायवाची, गणेश की आप लिख सकते हैं गजानन, एकदंत, ठीक है, और इसकी चक्र की लिखिए चक्र, चक्र की पर्यायवाची लिखिए, चक्र की एक पर्यायवाची है पहिया, चक्र की एक पहिया पर्यायवाची है और दूसरा है चाक, चाक जिस पर कि कुम्हार बर्तन बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चाक। अब इसका ग है, ग हमें विलोम करना है। प्रश्न पांच का ग, प्रश्न पांच का ग, इसमें एकमुखी और भावी, एकमुखी और भावी का विलोम लिखें, एकमुखी और भावी का विलोम लिखें, विलोम यहाँ पे इसका अर्थ लिखें, ठीक है। अब इसका उत्तर लिखते हैं, उत्तर पांच ग, उत्तर पांच का ग, एक मुखी का क्या होगा विलोम, एक मुखी का विलोम हो जाएगा बहुमुखी, बहुमुखी, और इसके बाद है भावी, भावी का क्या होगा अतीत, भावी मतलब होता है आने वाला, ठीक है, और अतीत माने बीता हुआ। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। अब इसके पश्चात हम करेंगे वाक्यों से प्रश्न पूछा गया है, उन वाक्यों के प्रश्न को अब करते हैं। प्रश्न छः, प्रश्न छः निर्देशानुसार निर्देशानुसार निम्न वाक्यों में से निम्न वाक्यों में से निर्देशानुसार निम्न वाक्यों से किन्हीं दो का में से किन्हीं दो का वाक्य परिवर्तन कीजिए, किन्हीं दो का वाक्य परिवर्तन कीजिए। अब पहला वाक्य क्या है, भारती अहिंसा प्रेमी है, क है भारती अहिंसा, भारती अहिंसा प्रेमी है,
इसको हमें बदलना है आज्ञावाचक वाक्य में, आज्ञावाचक में बदलना है। अब परिवर्तित करिए, इसमें परिवर्तित करके क्या लिखेंगे? भारती भारती अहिंसा प्रेमी बनो। उत्तर इसका क्या होगा? भारती अहिंसा प्रेमी बनो, अहिंसा प्रेमी बनो। ये हो गया आज्ञा सूचक में परिवर्तन। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है, अगला पूछा, अगला है कि वाक्य है इसमें कि मजदूरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसको कि विस्मयवाचक में हमें लिखना है। ख है मजदूरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, मजदूरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें हमें बदलना किस में है? इसमें हमें बदलना है विस्मयबोधक में, विस्मयबोधक में हमें बदलना है। अब करिए इसका उत्तर, उत्तर वाह, वाह मजदूरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मजदूरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मजदूरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसका अगला है ग, हालांकि करना है एक दो ही, फिर भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। जैसे ही बारिश रुकी किसान ने बीज बो दिए। प्रश्न है, जैसे ही बारिश रुकी किसानों ने बीज बो दिए। ये आपको करना है, किसमें करना है? सरल वाक्य में करना है। तो जैसे ही बारिश रुकी किसानों ने बीज बो दिए, तो क्या करेंगे? बारिश रुकते ही किसानों ने बीज बो दिए। बारिश रुकते ही किसानों ने बीज बो दिए। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसमें जो है सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक क्रिया होती है। ठीक है, जो ये वाला है इसमें एक क्रिया, एक पूर्ण करने वाली क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है जिससे वाक्य को पूर्णता मिल जाती है। ठीक है, आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जाने थे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 हैं। अब शब्द के इसके बाद जो है अर्थ रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है 3 होते हैं, वो बता दें 3 होते हैं, जिसमें कि एक सरल होता है, दूसरा संयुक्त होता है और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जो कि जिसमें कि एक पूर्ण क्रिया होती है, मतलब वाक्य को पूर्णता, पूर्ण अर्थ देने वाली क्रिया, समापिका क्रिया, जिस ये जो है वाक्य को जो पूर्ण अर्थ दे, जैसे कि वो दिए, जिस शब्द से वाक्य
का पूर्ण अर्थ निकले ऐसी एक क्रिया होती है ना। समापिका क्रिया एक होती है, उसे बोलते हैं सरल वाक्य। ऐसे ही दो सरल वाक्य जब तथा और आदि से जोड़े जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और जब एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आधारित हो ऐसे वाक्य को बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो तीन तरह के वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर होते हैं आठ वाक्य। अब आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।